हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, आर्मी इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड रिक्रूटमेंट फाइनली ग्रुप सी को पोस्ट आया है। इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है गाइस। तो इसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कब से कब तक ये अप्लाई चलने वाला है, कैसे आप लोग को अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस। इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, पुश रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ताकि आपको भी आपको दोस्त को भी अप्लाई कर सके। तो चलो गाइस, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। इसमें आप लोग को स्टेट नेम आता है, आप लोग को ऑल ओवर इंडिया मतलब किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो गाइस इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मोड आप लोग को ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा गाइस। इसमें आप लोग को सिंपल क्लास 10 पास होने से भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो गाइस देख सकते हो 28 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई ऑफलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और 27 नवंबर 2023 तक ये अप्लाई चलने वाला है गाइस। यहाँ पर इस एड्रेस पर आप लोग को एड्रेस पर सेंड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया सिग्नल्स पिन कोड नंबर दिया गया, तो इस एड्रेस पर आप लोग को सेंड करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो कैसे आप लोग को अप्लाई करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ गाइस। इसमें पोस्ट में आप लोग को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर सीएसबीओ में 3 पोस्ट देने को मिलेगा, कुक में आप लोग को 3 पोस्ट, सफाई वाला में 5 पोस्ट, मैसेंजर में 2 पोस्ट, वाशरमैन में 1 पोस्ट और चौकीदार में 2 पोस्ट देने को मिलेगा। टोटल मिलाकर आप लोग को 16 वैकेंसी आप लोग को देने को मिलने वाला है गाइस। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट की बात करेंगे तो गाइस और सब पोस्ट के लिए आप लोग को इसमें 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। उसका साथ साथ गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से एज रिलेक्शन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए आप लोग को 5 ईयर्स, अगर एक्स सर्विस में ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को पता है दोस्तों गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से एज रिलेक्शन मिलेगा गाइस। यहाँ पर देख सकते हो तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीएसबीओ के लिए क्लास 10 के पास कार्ड, आपको प्रोफिशिएंसी हैंडलिंग का PBX बोर्ड का रिकॉग्नाइज भी होना जरूरी है। कुक के लिए सिंपल क्लास 10 पास होने से भी चलेगा, उसका साथ आपका कुक का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है गाइस। और सफाई वाला में अगर अप्लाई करना चाहते हो सिंपल क्लास 10 पास होने से भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें मैसेंजर में भी क्लास 10 पास होने से भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। वाशरमैन की बात करेंगे तो गाइस क्लास 10 के साथ साथ आपका वाशरमैन का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस इसमें कोई सिंपल क्लास 10 पास होने से भी चलेगा, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं लगेगा गाइस। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे हो तो इसमें किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो गाइस एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हो तो पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम गाइस, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद इंटरव्यू होगा गाइस, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। पे स्केल के सैलरी की बात करें तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पे स्केल आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को पोस्ट वाइज आप लोग को सैलरी दिया जाएगा, पे स्केल दिया जाएगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइस। और आप लोग को अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ गाइस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद रख लेना गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को कैसे फिलअप करना है ऑफलाइन माध्यम से आप लोग को। यहाँ पर गाइस पोस्टल स्टाम्प आप लोग को मिनिमम आप लोग को 100 रुपीज से 100 रुपीज वाला आप लोग को स्टाम्प पेपर आप लोग को स्टाम्प लगा के आप लोग को सेंड करना होगा गाइस। सिलेबस की बात करेगा तो गाइस यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइम में 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क मिलेगा। उसका मतलब आप लोग को 1 क्वेश्चन कारेक्ट करोगे तो आप लोग को 1 मार्क मिलने वाला है गाइस। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा। जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, 50 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क मिलेगा। टोटल आप लोग को 150 क्वेश्चन आएगा, आप लोग को 150 मार्क ही आप लोग को मिलने वाला है। लगभग आप लोग को 1 क्वेश्चन अगर करेक्ट करोगे तो आप लोग को 1 मार्क ही मिलने वाला है गाइस। अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस, ये आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, डाउनलोड कर लेना। तो चलो गाइस मैं ओपन करके देखाता हूँ गाइस। यहाँ पर आप लोग को कैसे फिलअप करना होगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म ये ही है, आप लोग को पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देने को मिलेगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड कर लेना और प्रिंटआउट लेना, प्रिंटआउट करा लेना। प्रिंटआउट कराने के बाद ये आप लोग को सारे फिलअप करना होगा गाइस, जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सा एड्रेस आप लोग का, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को ये इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देने को मिलेगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज आप लोग को पेश कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम एंड कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग को सारे फिलअप कर लेना गाइस। सारे फिलअप करने के बाद मैंने बताया गया है मध्य भारत कौन सा एड्रेस पर है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया, उस एड्रेस पर आप लोग को सेंड करना होगा गाइस। मिनिमम आप लोग को 100 स्टाम्प वाला आप लोग को खरीद के आप लोग को सेंड कर लेना गाइस। सो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।